सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द BS30 स्टडी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द डिफरेंशिएशन, जो कि अपने पास में नेक्स्ट अपना अभी आज का टॉपिक है, डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव कोफिशिएंट। डिफरेंशिएशन बोलते हैं किसको, अवकलन को, और डेरिवेटिव बोलते हैं आपके पास में किसको, अवकलज को। ठीक है, अब अपन देखिएगा, एक अपन पहले तो समझते हैं क्या डिफरेंशिएशन होता क्या है। ठीक है, डिफरेंशिएशन होता क्या है उसको अपन समझते हैं। तो लेट अपन ने कोई फंक्शन माना एफ एक्स इक्वल टू वाई, या वाई इक्वल टू अपन ने कोई फंक्शन माना वाई इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, अब इसका क्या है, सपोज दैट ये अपने पास में कोई फंक्शन इस तरीके से वेरी कर रहा है, ये अलग अलग डिफरेंट एक्स पर आपके पास में इसकी क्या है, वैल्यू है। ठीक है, सपोज दैट एक्स नॉट पर आपके पास फंक्शन की वैल्यू है एफ एक्स। ठीक है, इस तरीके से आपके पास कोई फंक्शन वेरी कर रहा है, मतलब ये क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है। ठीक है, कंटिन्यूस, तो ये क्या है एक्स नॉट पर। अब इसमें मैंने स्मॉल कोई अमाउंट लिया, उसका क्या कर दिया, इंक्रीमेंट कर दिया, उसमें क्या कर दिया, वृद्धि कर दी। तो इसमें क्या हो गया आपके पास, सपोज दैट एक्स नॉट प्लस एच, तो इसमें भी ये फंक्शन क्या हो गया आपके पास में, एक्स नॉट प्लस एच। ऐसे ही ऐसे एज इट इज चलता गया, और ये मान लिया मैंने एफ एक्स लास्ट में फंक्शन। ठीक है, एफ एक्स मान लिया, या इसी को अपन क्या इक्वल टू क्या मान लिया, वाई। अब देखिए होता क्या है कि अगर मैं एक्स में स्मॉल चेंज करता हूँ, मान लो सपोज दैट डेल वाई, या इसी को अपन बोल देते क्या एच, डेल एक्स या एच, इसमें अगर मैं किस में चेंज करता हूँ, एक्स में अगर मैं स्मॉल चेंज करता हूँ किसका, या तो अपन डेल एक्स या एच का, एच क्या है कि स्मॉलेस्ट वैल्यू है। ठीक है, चेंज करते हैं तो उसके करेस्पॉन्डिंग वाई में क्या चेंज होगा, तो एक्स में अगर मैंने चेंज किया किसका, डेल एक्स का। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपके पास में, एक्स प्लस डेल एक्स, और अगर इसी के करस्पॉन्डिंग अगर मैं वाई में चेंज करता हूँ, तो वाई में चेंज किया किसका, डेल वाई का, तो वाई क्या हो जाएगा आपके पास, वाई प्लस डेल वाई, वाई प्लस डेल वाई। इसके साथ में अगर यहाँ पर देखिएगा इक्वल टू, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इक्वल टू क्या, फंक्शन एक्स नॉट प्लस डेल एक्स, या एक्स प्लस डेल एक्स, यही तो था, एक्स में चेंज किया उसका करस्पॉन्डिंग वाई में भी चेंज हो गया, और वाई में चेंज किया तो ये क्या है आपके पास, वाई इक्वल टू क्या है आपके पास, फंक्शन ऑफ एक्स, एंड डेल एक्स इक्वल टू क्या आपके पास है, ये पूरा। ठीक है, तो उसके फंक्शन से अपन ने ये चीज़ रख दिया। अब क्या कीजिए, यहाँ से मैं वैल्यू निकालता हूँ किसकी, डेल वाई की, तो डेल वाई इक्वल टू आपके पास है, ये वाई कहाँ चला जाएगा, उधर की साइड चला जाएगा, तो ये हो जाएगा फंक्शन एक्स प्लस डेल एक्स माइनस, ये क्या है आपके पास में, वाई, और वाई किसका फंक्शन था, एफ एक्स, वाई क्या था आपके पास में, एफ एक्स, तो वाई की जगह पर क्या पुट कर सकता हूँ मैं, एफ एक्स पुट कर सकता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, एफ एक्स। अगर अब मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड में डेल एक्स से डिवाइड कर देता हूँ, किससे, डेल एक्स से, तो ये इसमें डिवाइड कर दो, ये क्या हो जाएगा आपके पास में, डेल वाई अपॉन डेल एक्स, डेल वाई अपॉन डेल एक्स इक्वल टू, इधर भी क्या हो जाएगा, फंक्शन एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन क्या है आपके पास में, डेल एक्स। अब क्या करेंगे कि जो डेल एक्स है वो क्या है आपके पास में, स्मॉलेस्ट वैल्यू है, स्मॉलेस्ट वैल्यू है, तो उसके करस्पॉन्डिंग अपन लिमिट भी फाइंड आउट करेंगे, और इसको अपन औसत दर भी बोला जाता है, या एवरेज रेट भी बोला जाता है, किसकी एवरेज रेट बोला जाता है, एक्स के सापेक्ष वाई की, किसकी बोला जाता है, एक्स के सापेक्ष, इसको बोला जाता है क्या, एवरेज रेट, किसकी, एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष वाई की, क्या बोला जाता है इसको, एवरेज रेट, इसको क्या बोला जाता है, एवरेज रेट, जिसको अपन बोल देते हैं औसत दर। ठीक है,
अब मैं इसके क्या करूंगा, इसके करेस्पॉन्डिंग अगर मैं लिमिट ले लेता हूँ, तो लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो डेल वाई अपॉन डेल एक्स इक्वल टू, दोनों साइड में लेंगे लिमिट तो दोनों साइड में लिमिट ले लो, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, हाँ डेल एक्स टेंस टू जीरो डेल एक्स टेंस टू जीरो, तो ये हो जाएगा आपके पास फंक्शन एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन क्या है आपके पास में डेल एक्स। सो ये वाली जो चीज है ना, ये वाली चीज, ये इसको अपन बोल देते हैं क्या, इसको क्या बोलते हैं क्या, और इसी चीज को अपन डिनोट कर देते हैं क्या, डी वाई अपॉन डी एक्स। इसका मतलब है कि y का डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू द x, मतलब x का डेरिवेटिव है y, मतलब y डिफ्रेंसिएट हो रहा है किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, y डिफ्रेंसिएट हो रहा है किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, जिसको बोल रहे हैं अपन dy upon dx, और इसी चीज को अपन बोल देते हैं क्या, डेरिवेटिव कोएफिशिएंट, इसी चीज को बोल देते हैं क्या, डेरिवेटिव कोएफिशिएंट, और ये यही क्या कहलाता है आपके पास में, डिफरेंशिएशन, यही क्या कहलाता है आपके पास में, डिफरेंशिएशन। इसी को अलग अलग तरीके से अपन डिनोट कर देते हैं, जैसे यहाँ पर मैं बता दूँ एक बार, तो लिमिट डेल एक्स टेंस टू क्या है जीरो, क्या था आपके पास, हाँ डेल वाई अपॉन डेल एक्स, इसी को अपन क्या बोल देते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स। इसका मतलब ये है कि वाई का डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। इसका मतलब और दूसरे तरीके से बोल सकते हैं कि वाई का अवकल गुणांक है किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, ठीक है। और इसी को अपन दूसरे तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं, किससे, वाई डैश से, किससे, वाई डैश से, या इसी को अपन डी एफ एक्स अपॉन डी एक्स से भी डिनोट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ क्या, और इसी को अपन एफ डैश एक्स से भी डिनोट कर सकते हैं, तो ये सारे क्या कहलाते हैं आपके पास में, इन सबको ही बोल दिया जाता है क्या, डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव कोएफिशिएंट। इन सबको क्या बोल देते हैं अपन, डेरिवेटिव कोएफिशिएंट, अवकल गुणांक। तो ये सारी चीज़ अपन को फाइंड आउट करनी होती है, ये सारी चीज़ अपन को फाइंड आउट करनी होती है। तो ये अपन किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, वो ये चीज़ अपन फाइंड आउट करते हैं किससे, फर्स्ट प्रिंसिपल से, फर्स्ट प्रिंसिपल से अपन क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करते हैं। और वो फर्स्ट प्रिंसिपल से अपन किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, वो अपन देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो अगर इसमें कोई भी दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। फिर भी एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, क्या है कि अगर अपन ने क्या लिया, कोई फंक्शन लिया, कोई कंटिन्यूस फंक्शन लिया y इक्वल टू एफ एक्स, और वो उसमें अपन इस तरीके से क्या हो रहा है, रेट चेंज हो रही है, उस तरीके से इसमें क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, इस तरीके से इसमें क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। क्या जब आपके पास x नॉट था तब फंक्शन क्या था आपके पास, x f x नॉट, जब x नॉट में कुछ वृद्धि के कुछ इंक्रीमेंट किया गया h का, तो वो फंक्शन बन गया क्या, f x नॉट प्लस h का, फिर इसी तरीके से इंक्रीमेंट रहा, तो ये मान लिया मैंने x, तो ये फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू क्या मान लिया मैंने, y मान लिया। अगर मैं x में छोटा सा इंक्रीमेंट होता है, छोटा सा अपन वृद्धि करते हैं, तो उसी के करस्पॉन्डिंग किस में वृद्धि होगी, y में भी चेंज होएगा, और वो y में चेंज होने के रेस्पेक्ट में ही देखा जाता है कि x में अगर अपन चेंज कर रहे हैं, उसके करस्पॉन्डिंग y में कितना चेंज हो रहा है, वही क्या कहलाता है अपने पास में, डिफ्रेंशिएशन। और उसी के करस्पॉन्डिंग अपन क्या फाइंड आउट करते हैं, लिमिट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। और लिमिट्स क्योंकि डेल एक्स कैसा है, एक स्मॉलेस्ट अमाउंट है, स्मॉलेस्ट वैल्यू है, तो उसको अपन क्या मान लेते हैं, करस्पॉन्डिंग जीरो। और इसी को जब अपन डेल वाई अपन डेल एक्स, लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, जिसको अपन क्या बोल लेते हैं, डी वाई अपन डी एक्स, तो ये क्या है आपका कहलाता है आपके पास में, कि वाई का डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू द एक्स, मतलब वाई अवकल गुणांक विद रेस्पेक्ट टू द एक्स, ठीक है, जिसको अपन क्या बोल देते हैं, डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव कोएफिशिएंट। तो इस तरीके से तो ये तो क्या निकल के आया था आपके पास, ये शॉर्ट इंट्रोडक्शन था किसके बारे में, अवकलन के बारे में। अब अवकलन
किस तरीके से करते हैं वो अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसके बारे में जो कि होगा फर्स्ट प्रिंसिपल से, जो आप लर्न करेंगे अपन किससे, फर्स्ट प्रिंसिपल से, तो वो अपन देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है, कोई भी क्वेरी होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। अगर ये वीडियो पसंद आता है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।